सो मूवी लवर्स के पास जल्द ही अपने नजदीकी सिनेमा घरों में चेक इन करने का विकल्प होगा। जी हाँ, जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच सिनेमा घर फिर से खुलने जा रहे हैं। यस यू हर्ड इट राइट। साथ ही फरवरी महीने में थिएटर्स में रिलीज होने के लिए कई फिल्में भी तैयार हैं। इसमें आलिया भट्ट की गंगूबाई कठियावारी से लेकर राजकुमार राव और भूमि पेडकर की बधाई दो तक कई फिल्में शामिल हैं। तो चलिए आज के सेगमेंट में जानते हैं कि फरवरी मंथ में कब और कौन सी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। बट डिटेल्स में जाने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पैथो। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी videos, like all the videos that you like and love, उन्हें भी please share करें, thank you। वहीं number one is बधाई दो, जिसकी release की तारीख 11 February 2022। जब बधाई दो superhit film बधाई हो का एक sequel है और film का निर्देशन हर्षवर्धन कुलकर्णी ने किया है और इसमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर और चुम दरंग जैसे कलाकार मौजूद हैं और फिल्म 11 फरवरी को रिलीज होने वाली है। वहीं नंबर टू इज गंगूबाई कठियावारी, जिसकी रिलीज की तारीख है 25 February 2022। चकई बस स्थगित होने के बाद अब फिल्म आखिरकार फरवरी में रिलीज होने वाली है और संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका यानी मेन कैरेक्टर में नजर आएंगी। जो फिल्म एक बायोपिक है और भट्ट एक वेश्यालय की मालकिन मैडम गंगू की भूमिका निभा रही हैं और ये मुंबई के माफिया क्वीन किताब पर आधारित है जिसे पत्रकार हुसैन जैदी ने लिखा है। वहीं नंबर थ्री इज शाबाश मिट्टू, जी हाँ, जिसकी रिलीज की तारीख है 4 February 2022। तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, कोई ओटीटी पे नहीं, थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है और ये फिल्म भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज के जीवन और करियर पर आधारित है। इसका निर्देशन शिजीत मुखर्जी ने किया है और राज के जन्मदिन पर फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी गई है। जहाँ राज ने दो विश्व कप 2005 और 2017 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था और वह 22 ईयर्स से क्रिकेट खेल रही हैं और 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली, जी हाँ, पहली भारतीय बन गई हैं। वहीं नेक्स्ट इज खिलाड़ी, इसकी रिलीज की तारीख है अगेन 11 फरवरी। जहाँ तेलुगु स्टार रवि तेजा आगामी फिल्म खिलाड़ी में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और ये फिल्म 11 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। वहीं नेक्स्ट इज भीमला नायन, जहाँ इसकी रिलीज की तारीख है 25 फरवरी। जहाँ पवन कल्याण आगामी तेलुगु फिल्म भीमला नायक में राणा दुगुपति सह कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं और फिल्म अगेन 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है और ये एक मलयालम मूवी का रीमेक है। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेरे देश की धरती, जो इसकी रिलीज की तारीख है 11 फरवरी और देवेंद्र और अनुप्रिया गोयनका अभिनीत ये सामाजिक नाटक 11 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो जैसे जैसे अब धीरे धीरे थिएटर्स खुल रहे हैं, जैसे नेशनल कैपिटल में भी 50% कैपेसिटी में सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं एंड वैसे ही उसी पेस पे मूवीज भी रिलीज हो रही है, राइट? लेट्स सी कौन सी फिल्म बाजी मारती है और कौन थोड़ी पीछे रह जाती है। So that was all for today's segment. अगर आपको हमारा आज का content और video अच्छा लगा, then please don't forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी follow कर सकते हैं. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP India.